पुलिस ने यहाँ पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए, तो उसके बाद जो है कारकुनान जो है वो भाग निकले। उसके बाद जो है कारकुनान ने भी ऐसा थोड़ा पीछे जाकर जो है पथराव करना शुरू किया, लेकिन पुलिस जो है उसने अपनी जगह नहीं है छोड़ी, पुलिस जो है आगे बढ़ती रही है। उसके बाद कारकुनान जो है वो इस जगह को छोड़ के जो है भाग निकले हैं। अभी जिस रोड पे हम मौजूद हैं, ये रोड जो है सीधी मिनहाजुल कुरान की तरफ को जाती है, जिस रोड से कारकुनान अभी थोड़ा टाइम पहले जो है आए थे, लेकिन इसी रोड से वो अभी जो है वापस भी चले गए हैं। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि वो क्रेन जो वो लेके आए थे, वो क्रेन भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन क्रेन चलाने वाला यहाँ पे कोई मौजूद नहीं रहा। और जो कंटेनर थे वो भी, एक कंटेनर जो साइड पे कर दिया गया वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस यहाँ पे मौजूद है, पुलिस कोई कार्रवाई तो नहीं है कर रही, लेकिन ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इन कंटेनर्स को दोबारा वो पहले की तरह यहाँ पे रोड ब्लॉक करके यहाँ पे लगा देंगे। और जैसा कि अभी देख सकते हैं कि लोगों का जो कल से इस रोड से रब्ता जो है वो मुनकते हुआ था, अभी दोबारा से जो ट्रैफिक है वो इस सड़क पे रमा दमा हो गई है, लोग जो है यहाँ से अपने लौट शुरू हो गया। और जैसा कि गुज़श्ता दो रोज से जो है यहाँ की आवाम को खासे ज्यादा मुश्किलात का सामना था, यहाँ पे कंटेनर्स लगाकर जो है रोड जो है बंद कर दी गई थी। और जैसा कि अभी भी जो है ये एक ही चौक कारकुनान ने आके यहाँ पर पहुंच के जो है खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके कि पुलिस की जो बारी नफरी है वो यहाँ पे पहुंच गई है, पुलिस ने जो है कारकुनान को यहाँ से भगा दिया है। उसके बाद अगर दूसरे मॉडल टाउन की बात की जाए तो मॉडल टाउन के सारे जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं, और वहाँ पे जो पुलिस की है बारी नफरी जो है वो मौजूद है। और जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस की जिस तरह से नफरी नजर आ रही है, ऐसे कि जैसे सारे लाहौर की पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। और आप देख सकते हैं कि सारे पुलिस एहलकारों ने डंडे उठाए हुए हैं और अपनी सेफ्टी के लिए जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं। तो अभी जिस तरह से दोबारा से नारे लगना जो है वो शुरू हो गए हैं, कारकुनान जो है वो दोबारा से आ रहे हैं, और पुलिस एहलकारों ने फिर से जो है डंडे लहराना शुरू कर दिए, और उन्होंने अपने सारे साथियों को जो है काल दे दिया। अभी जो है पुलिस एहलकार जो है वो सारे फिर से जो है इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होने लग पड़े हैं। और जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, उस पर जनाह अस्पताल और अकबर चौक लिखा हुआ है, यही वो रोड है जो मिनहाजुल कुरान की तरफ को जाती हैं, इसी रोड से कारकुनान आए थे। ये अभी आप अभी हमने यहाँ पे एक फायर की आवाज़ सुनी है जो शायद के कारकुनान जो हैं उनकी तरफ से किया गया है। और जैसा कि ये पुलिस आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ से भागती हुई नजर आ रही है, और पुलिस की जानिब से दोबारा से जो है वो शेलिंग स्टार्ट हो गई है, और पुलिस की जानिब से फायरिंग भी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और पुलिस जो है एक जमघटे की शक्ल में यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। पुलिस ने जो है हवाई फायरिंग का जो है सिलसिला वो शुरू कर दिया है, तो पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस ने गन्ने अपने हाथों में पकड़ी हुई है और डंडे लहरा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इन कारकुनान का मुकाबला करने के लिए यहाँ पे तैयार है, और पुलिस जो है मुसलसल जैसे ही कारकुनान कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस की जानिब से शेलिंग कर दी जाती है, और वो कारकुनान जो है वो उन्हीं उसी जगह पे जो है वो दोबारा से थम जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पुलिस की जो तादाद है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जितनी तादाद पहले आई थी यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बढ़नी जो है शुरू हो गई है। जैसा कि अभी आपको आग के शोले भी नजर आए होंगे, ये वो शोले हैं जो पुलिस की जानिब से फायरिंग की जा रही है, तो आग के शोले जो है वो गन्नों से निकल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सूरत हाल बनी हुई है उसे यही वादे हो रहा है कि यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, और यहाँ के जो करीबी लोग हैं जो रहाइश पजीर हैं वो भी इस सूरत हाल से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ की आवाम जो है वो भी खासी परेशान है। और इस इलाके में एक दफ़ा फिर से सन्नाटा छा गया है, और मॉडल टाउन जैसा कि वो पिछले दो रोज़ से पहले ही जो है चारों अतराफ से जो है वो सील कर दिया गया था, लेकिन अभी जो सूरत हाल बन गई है लोगों के दिल में वही वाला जो है 17 जुलाई वाला जो खौफ है वो दोबारा से वापस आ गया है। लोग जो है खासे नहीं, जो अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे सूरत हाल देखी जब कारकुनान यहाँ पे पहुंचे थे तो उन्हें कोई लीड नहीं था कर रहा, वो एक जमात की शक्ल में निकल जरूर आए थे, वो सारे ही नारे लगा रहे थे अपनी तहरीक के, तहरुल कादरी के नारे लगा रहे थे और वो अपने इनकलाब के नारे लगा रहे थे। और इसी तरह नारे लगाते हुए जब उन्होंने पुलिस को यहाँ से हटवा दिया तो उसके बाद जो है दोबारा से जब वो जिनाह हॉस्पिटल की तरफ को जाने लगे थे तो पुलिस की जो है बारी नफरी यहाँ पे पहुँच गई थी। अभी जो सूरत हाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, शेलिंग की जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पे एक दफ़ा फिर से सांस लेना जो है वो मुश्किल हो गया है, पुलिस वाले भी जो हैं वो आंखों पे रुमाल रख के जो है पीछे की तरफ को आना शुरू हो गए हैं। और जो कारकुनान है, कारकुनान की ये सूरत हाल है कि कारकुनान थोड़ी देर पहले यहाँ को इस चौक का रुख करने वाले थे, लेकिन जब पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई तो उसके बाद जो है कारकुनान एक दफ़ा फिर से जो है
अपनी जगह से जो है वो हट गए हैं और वो पीछे मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट की तरफ को चले गए हैं। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि एक जो है पुलिस एहलकार जो है वो गुस्से में जो है हमारे कैमरामैन को भी डंडे बरसा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि थोड़ी देर कबल ही जो है पुलिस की जानिब से जो है हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद शेलिंग की गई और शेलिंग के बाद यहाँ पे ये सूरत हाल बन गई कि यहाँ पे सांस लेना जो है वो मुश्किल हो गया, यहाँ पे जो है आंखों में से पानी निकलना शुरू हो गया। और उसके बाद अभी ये सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस ने जो है एक बारी जो है एक जो है पानी का टब जो है वो यहाँ पे भर के रखा हुआ है, जिससे जो है वो आंखों में जो है ठंडा पानी जो है उसके ठंडे पानी के साथ वो आंखें अपनी धो रहे हैं, तो ताकि जो है शेलिंग की वजह से उनकी आंखों से जो पानी निकल रहा है वो जो है वो रुक सके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी है फिर से जो है सूरत हाल थोड़ी जो है थमी है कि कारकुनान जो थे वो यहाँ की तरफ को आ रहे थे लेकिन अभी वो जो है वो रुक गए हैं, लेकिन पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पे उसी तरह से नज़र आ रही है और पुलिस जो है वो अभी भी उसी तरह से पूरा दम दिखाई दे रही है। और उनका यह कहना है कि वो किसी भी सूरत जो है वो कारकुनान को अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जैसा कि उन्होंने एक पहली कोशिश जो है कर ली तो उसके बाद अब जो है दूसरी कोशिश वो जो है वो नहीं करने देंगे और कारकुनान से वो हर तरह से निबटने के लिए वो लाइन गड्डी बंद करो।
कैमरा उतारने का मैंने नहीं था कहा। भाई किसने कहा था? मैंने नहीं था कहा। थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ। जी जैसा कि बिल्कुल आप जी बिल्कुल जैसा कि अभी यहाँ पे जो है सूरत हाल फिर से एक दफा फिर से जो है वो खराब हो गई है, सूरत हाल बिगड़ चुकी है। यहाँ पे दोबारा से शेलिंग का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है, क्योंकि कारकुनान की जो एक बड़ी तादाद है उसने फिर से जो है इस चौक का रुख कर लिया है। जैसा कि सूरत हाल फिर से बिगड़ती जा रही है। अब जैसा कि जो है
यार पीछे थोड़ा जा पीछे सोने पानी देना थोड़ा जा अखा देना लाला सिर्फ एक मिनट कैमरा छोटो कैमरा नहीं ना यार तू क्यों मरवाना कपड़ा कोई पानी ले आया कोई नहीं ना दे सकता क्यों मरवाना चाहिए तुम फिर इधर उधर जो फायरिंग कर रहे हो शबाज साहब कह रहे कहो शॉट पकाया अच्छे जल्दी कर फिर सुन दिता यार आ गए किने क्या है ओए पानी खत्म ना कर देना उठ ले जा ट्राईपोर्ड तो ले आया यार की करना पे चलो इमरान के है ट्राईपोर्ड खा लेना यार नहीं नहीं इधर आ जा तू आ गई मेरा पहले नौकरी